अमित शाह जी जब बिहार आते हैं जो विपक्ष वाला महागठबंधन वाला लोग है कांपने लगता है, डर लगने लगता है, सरकार का फेल्योर है, सरकार साजिश के तहत ये सब काम करवाने का काम किया है। इन लोगों पर जांच पर क्या विश्वास होगा? ये राज्य सरकार जांच करेगी, दूध का दूध पानी का पानी करेगी। जनता दल यू कौन टीम था भाई? 17 साल तक भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठ करके सत्ता का स्वाद लिया, माननीय मुख्यमंत्री के रूप में 17 साल तक रहे, कौन बना दिया? अरे यहाँ चाहिए बुलडोजर बाबा जी। कहाँ उत्तर प्रदेश में दंगा फसाद हो रहा है, अपराधी अपराध कर रहा है, यहाँ भी बुलडोजर कहाँ आप रहा है? डर के मारे कांप रहा, वैसा ना शासन चाहिए। शासन कर हाथ जोड़ कभी खड़ा रहिएगा तो भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा खुलने वाला नहीं है। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पे बिहार आए थे और सासाराम और बिहार शरीफ में जो घटना घटी है इसे लेकर महागठबंधन की सरकार का कहना है कि जहां पे अमित शाह आए थे आखिरकार घटना वहीं क्यों घटी? सुनियोजित ढंग से वो पहले से प्री प्लान था। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए सांसद रामकृपाल यादव है। क्या पहले से प्री प्लान था वो जो घटना घटा है? हाँ, गृह मंत्री जी का प्रोग्राम कैंसिल हो जाए, डर लगता है ना इन लोगों को। अमित शाह जी सोच भारतीय अमित शाह जी जब बिहार आते हैं जी। जो विपक्ष वाला महागठबंधन वाला लोग है कांपने लगता है, डर लगने लगता है। तो इसलिए एक दिन पहले तक सब ठीक था, अचानक क्यों गड़बड़ हो गया भाई? क्यों दंगा फसाद हो गया? सरकार का फेल्योर है, सरकार साजिश के तहत ये सब काम करवाने का काम किया है। क्या जो चीज वहां पे हुआ इसके लिए जांच की मांग करते, क्योंकि एक तरफ तो आप उनके ऊपर इल्जाम लगा रहे, दूसरी तरफ वो आपके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। तो वो तो निश्चित तौर पर जांच का विषय तो ही है ना जी, और चिंता का विषय है। ये तो कह रहे हैं कि जांच कर रहे हैं, कहां जांच कर रहे हैं, तो देखें कौन आता है। ये सब इन्हीं लोगों को इनके जांच पे विश्वास होगा जो रिपोर्ट आएगा? इन लोगों पर जांच पर क्या विश्वास होगा? ये राज्य सरकार जांच करेगी, दूध का दूध पानी का पानी करेगी, अपने कमियों को दिखाएंगे। इन्हीं के संरक्षण में सब कुछ तो हो रहा है, तो क्या कहेगा? हम संरक्षित कर रहे हैं सबको, ये कहेगी सरकार? आज केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने कहा है कि यहाँ की जांच पे विश्वास नहीं है, वह गृह मंत्री से ये कहेंगे कि राज्यपाल रिपोर्ट सौंपे बिहार के बारे में। ठीक तो है, ठीक तो बोला है पशुपति जी ने। यहाँ का जो पुलिस किसके इशारे पर काम करती है जी, किसके इशारे पर ये जांच करेंगे? नहीं कुछ करेंगे। ये एक आखिरी सवाल रहेगा, जांच क्या करेंगे? अपने कमियों को खुद से उजागर कर लेंगे अपने हाथ से। वो तो कह रहे हैं कि आज तक नीतीश कुमार के 17 साल से शासन कर रहे हैं, आज तक कभी भी दंगा नहीं हुआ, तो अभी क्यों दंगा हुआ जब अमित शाह रहे थे? तो वही तो पूछिए ना नीतीश कुमार जी से कि क्यों दंगा हुआ। तो अच्छा सवाल, ये सवाल हमसे मत पूछिए, ये नीतीश कुमार जी से लगा के सवाल पूछिए, क्यों दंगा हो गया अमित शाह जी आए तो क्या कारण है बताइए। इसलिए निश्चित तौर पर यहाँ की सरकार फेल है, यहाँ की सरकार शासन का जो धमक होना चाहिए वो धमक खत्म हो गया, डर ही नहीं रहा है कोई। अपराधी नहीं डर रहा है, गुंडा नहीं डर रहा है, रंगदार नहीं डर रहा है, जमाखोर नहीं डर रहा है, भ्रष्टाचारी नहीं डर रहा है, तो दंगाई भी नहीं डर रहा है जी। एक आखिरी सवाल रहेगा, बिहार के मुखिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि ओवैसी जो है वो आपकी टीम भी है, आप ही के इशारे पे काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी और ओवैसी के साथ ना कोई संबंध है, न रहा है, न रहेगा। ये सब एक ही चट्टे बट्टे के थाली के लोग हैं, कोई दूसरा लोग नहीं है, उन्हीं के दोस्त मित्र लोग हैं जी। और ये आरोप लगाने का गलत काम कर रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री ने इस तरह की बात कही है, कहीं ना कहीं कुछ तो बात होगी, तब तो बिहार के मुखिया ने आपसे जोड़ा है कि ओवैसी टीम बी है भाजपा के। अब वो कौन टीम है? जनता दल यू कौन टीम था भाई? 17 साल तक भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठ करके सत्ता का स्वाद लिया, मुख्यमंत्री बना, रेल मंत्री बना, वो कौन टीम है जी? ओवैसी तो कोई संबंध नहीं रहा है। कौन था? गलमैया में गलवैया मिला रहा था आज तक, ये 8 महीना पहले ना जी अलग हुआ है अपने स्वार्थ के लिए, उसके पहले कहां थे? पूछिए ना कि आप जो यहां बन गए, यहां माननीय मुख्यमंत्री के रूप में 17 साल तक रहे, कौन बना दिया? बिहार की जनता ने। अरे यहां चाहिए बुलडोजर बाबा जी,
कहां उत्तर प्रदेश में दंगा फसाद हो रहा है, अपराधी अपराध कर रहा है, यहां भी बुलडोजर कहां आप रहा है, डर के मारे कांप रहा। वैसा ना शासन चाहिए, भाजपा के शासन आने दीजिए, कोई ना कोई भाजपा का कार्यकर्ता जो है बनेगा मुख्यमंत्री निश्चित तौर पर, और उसमें भी 25 में नीतीश कुमार नहीं रहेंगे 25 में। आप लोग कह रहे दरवाजा बंद, वो कह रहे हैं एप्लीकेशन लेके जा, कौन रहा है आपके दरवाजे पे? एप्लीकेशन लेके कौन जा रहा है, वो तो सब जान रहा है। जब दरवाजा बंद हो गया तो आपका एप्लीकेशन कौन लेगा भाई? पहले ही कर दिया हमारी पार्टी ने कब उनका दरवाजा सदा के लिए बंद। एप्लीकेशन कर हाथ जोड़ कभी खड़ा रहिएगा तो भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा खुलने वाला नहीं है। नहीं हो गए हैं कभी इधर कभी उधर, कभी इधर पलटी मार कभी उधर पलटी मार जी। का तो रिकॉर्ड रहा है ना भाई, जनता दल यू का तो रिकॉर्ड रहा है, तो सब जानता है, यूं बताने की क्या जरूरत है। मगर अब परमानेंट बंद हो गया जी। अब इनका विदाई तय है 2024 और 2025 दोनों में साफ हो जाएंगे, ये सुपरा साफ। तो देखिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए सांसद रामकृपाल यादव थे। जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दो दिवसीय दौरे पे आए थे, इसे लेकर रामकृपाल यादव ने साफ कह दिया है कि जब जब अमित शाह बिहार आते हैं तो महागठबंधन की जो सरकार है वो डर जाती है, थरथरा जाती है। साथ ही साथ 2024 और 25 के चुनाव के लिए भी रामकृपाल यादव ने कह दिया है कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं, अब दरवाजे पे हाथ जोड़कर भी खड़ा रहेंगे तो दरवाजा खुलने वाला नहीं है। इस तरह की तमाम खबरों के साथ हमारे साथ बने रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।